जब हम किसी बड़े की या छोटे की तरबियत करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें मुस्बत अंदाज़े गुफ्तगू को इख्तियार करना चाहिए। अगर हम अंदाज़े गुफ्तगू को मुस्बत रखेंगे तो अगले के दिल के अंदर हमारी बात आसानी से उतर जाएगी, और अगर हम मनफी तर्ज़े गुफ्तगू इख्तियार कर लेंगे तो हमारी अच्छी बात और वज़नी बात और बात दलील बात वो भी अगला इंसान कबूल करने से इनकार कर देगा। इस चीज़ को अगर हम अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में देखें तो हमें इस बात का इल्म होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी आदमी की तरबियत फरमाते, किसी छोटे बच्चे की तरबियत फरमाते, किसी बड़े सहाबी को कोई बात समझानी होती तो एक तो आप ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू इख्तियार करते कि कोई एक उसके अंदर निशाना ना बनता, बल्कि इज्तमाई बात फरमाते कि क्या हो गया कौम को कि वो इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रही, मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ में कमी महसूस हो रही है, ताकि जो इंसान उस गलती में मुब्तला है वो सुनकर समझ जाए कि इस गुफ्तगू से मुराद मैं हूँ। ना उस गुफ्तगू के अंदर ताना होता था, ना उस गुफ्तगू के अंदर किसी पर इल्ज़ाम तराशी, ना उसके अंदर गुस्सा, बल्कि इंतहाई मुशफिकाना और मोहब्बत वाला अंदाज़े गुफ्तगू जिसके अंदर जिसको बात समझानी होती उसको समझ आ जाती और बकाया दूसरों से पर्दा भी रह जाता। लेकिन अगर किसी ख़ास मौके पर किसी ख़ास आदमी को ही, किसी ख़ास सहाबी को ही कोई बात समझानी होती तो उसमें भी ऐसा पहलू इख्तियार फरमाते कि पहले मुस्बत जुमले होते, पहले उनकी तारीफ़ होती, जो उनके अंदर खूबी होती पहले उसका जिक्र किया जाता, और उसके बाद जिस कमी की इसलाह करनी है उस कमी की इसलाह भी फरमा दिया करते थे। यह है बेहतरीन तरीका। मसलन हमने देखा कि एक बच्चा है, उसने होमवर्क किया और होमवर्क उर्दू का कर लिया, इंग्लिश का छोड़ दिया। तो एक बात तो यह है कि हम यूँ कहें कि तुमने इंग्लिश का होमवर्क नहीं किया, तुमने होमवर्क अपना कंप्लीट नहीं किया, और दूसरा अंदाज क्या है, शाबाश बेटा आपने उर्दू का काम मुकम्मल कर लिया है, तो थोड़ा सा इंग्लिश का रह गया है, बेटा इसको भी मुकम्मल कर लें। अब बच्चा ये पहला जुमला सुनकर शाबाश बेटा आपने अपना उर्दू का काम मुकम्मल कर लिया है, इससे उसका हौसला बढ़ जाएगा, हौसला अफजाई हो जाएगी, उसकी खूबी सामने आएगी, वो समझेगा मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने मेरी खूबी का एतराफ किया है। यह है मुस्बत अंदाज। और फिर आपने साथ ही उसको यह कह दिया कि बेटा इंग्लिश का रह गया है, उसको भी अदा उसको भी लिख लीजिए, पूरा कर लीजिए। एक बच्चे ने खाना खाया, खाना आपके मुताबिक सही नहीं खाया उसने, तो आपने उसको शाबाशी देनी है पहले जिस उस बात पर जो उसने कर लिया है, जो उसने खा लिया है। बेटा शाबाश आपने आधी रोटी तो खा ली है, बेटा आधी बकाया वो भी खा लें ताकि आपकी भूख अच्छी तरह पूरी हो जाए, पूरी तरह ख़त्म हो जाए। यह है अंदाज। अब मैं आपको जो है सुनने अबू दाऊद की एक रिवायत सुनाता हूँ। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हैं खुरैम असदी रज़ी अल्लाह ताला अन, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तमाई तौर पे बात भी इस्लाह की फरमाते रहते थे, लेकिन आपने महसूस फरमाया कि काफ़ी अरसा हो गया है लेकिन हज़रत खुरैम असदी रज़ी अल्लाह ताला अन उनके अंदर दो चीज़ें अभी भी पाई जा रही हैं, दो कमियां अभी भी पाई जा रही हैं। एक, उनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं जो कि बेढंगे होने की वजह से बदनुमा लगते हैं, और दूसरी बात जो उन्होंने इज़ार पहनी होती है वो टखनों से नीचे लटक जाती है और बाज़ औक़ात उसकी परवाह नहीं रहती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जब वो पास बैठे हुए थे तो एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया खुरैम असदी बहुत अच्छा आदमी है, बड़ी सिफात हैं इसके अंदर, बस अगर ये अपने बाल कटवा ले और अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखा करे तो ये मुकम्मल हो जाए। अब ये जुमला ऐसा सुना हर खुरैम असदी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में असर कर गया, फौरन गए जाकर बालों को भी कटवा लिया और आइंदा से अपनी इजार अपनी शलवार या अपनी तहबंद को टखनों से ऊपर रखने का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करते थे।
یہ ہے انداز گفتگو. آج سے ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہ انداز گفتگو اختیار کرنے کی کوشش تو کریں, پھر ہم دیکھیں بچے ہمارے کتنا کہنا مانتے ہیں اور بچے ہمارے سے تربیت حاصل کرنا اپنے لیے آسان سمجھیں گے, فخر محسوس کریں گے, ہماری بات کو ماننا شروع کر دیں گے.